press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Namaste, Sat Sri Akal aur Adab. Aap dekh rahe hain Hindu editorial analysis of 23rd of March. Main hoon Saurabh Day, my dear friends. अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखें तो उसका देखिए लिंक हो जाएगा, मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में. साथ ही में उसका लिंक जो है हमारे जो कॉमेंट सेक्शन होगा इस वीडियो का, वहां से भी आप उठा सकते हैं. तो भाई देखा जाए, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो देख लेते हैं मोटिवेशन पाने के लिए. स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस. तो देखो भाई, बात यह है कि जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक सितारे चमकते भी नहीं हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो यही है, ये प्रकृति का इशारा है हम सभी लोगों को कि देखो, जब तक हमारी लाइफ में ना हम मुसीबत फेस नहीं करेंगे तब तक हरगिज़ भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को अपना हुनर दिखा पाएँ, हम किसी को अपना टैलेंट दिखा पाएँ. तो अगर आप सच में चाहते हैं कि अपना टैलेंट को दिखाने का एक मौका मिल जाए तो देखिए, डेफिनेटली जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास उनको सॉल्व करिए, उनसे कॉम्बैट करिए और आप ज़रूर चमकेंगे. क्योंकि सितारों को चमकने के लिए अंधेरा चाहिए होता है और प्रॉब्लम्स अंधेरे के बराबर ही होती हैं. ठीक है, तो चलिए अब आते हैं वापस ई पेपर पर, देखते हैं हमारे पास क्या क्या आर्टिकल दिए हुए हैं आज. तो देखो, पहला आर्टिकल दिया हुआ है हमारे पास टर्म्स ऑफ सेपरेशन. तो अब आप बताओ, यहाँ पर टर्म्स ऑफ सेपरेशन से आप क्या समझोगे? आप सोचोगे अलग होने का बेसिकली जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बन जाती हैं. वेल देखो, ये जो आर्टिकल है ये लिंगायत कम्युनिटी जो है ना उनके आधार पर, उनके रिगार्डिंग बनी हुई एक पूरा ये आर्टिकल है यहाँ पर. तो वो सभी लोग जो लोग समझना चाहते हैं इस आर्टिकल को, वो ज़रूर उसको एनालाइज करें. वैसे ये यूपीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब लेफ्ट में देखो दिया हुआ है सी ए फेसबुक एंड यू. तो ये बाय द वे हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे के हिसाब से बेसिकली ये जो बंदे हैं आपके फेसबुक जो बंदे हैं, इन्होंने एक कंपनी ने इनका डेटा जो है ले लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे आम इस्तेमाल करने वाले फेसबुक पे यूज़र्स जो आम इस्तेमाल करने वाले थे उनका डेटा जो है एक्सपोज कर दिया गया है बिना उनकी परमिशन के. तो ये पूरा आर्टिकल उस पर बेस्ड है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो हम लोग ज़रूर एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पर. ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ. सो मीटिंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स. तो अब देखा जाए गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसी हम जो पूर्ति कर सकते हैं हमारे देश के रिगार्डिंग, ये उसका आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको भी आज हम लोग जरूर एनालाइज करेंगे यहाँ पर. सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फिर देखो लेफ्ट पे दिया हुआ है कर्बिंग मिसयूज. तो ये बेसिकली SC ST एक्ट का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जिस पे वर्डिक्ट आया है, ये उसी का वही वाला आर्टिकल है और स्टेट लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके देखा जाए तो UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ज़रूर इसको समझने वाला है. ठीक है, फिर देखो दिया हुआ है इज़ द इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक. तो क्या वापस हमारी इकॉनमी की अवस्था सही हो चुकी है, ये जो आर्टिकल है देखो उस पर बेस्ड है. और इनफैक्ट आर्टिकल क्या ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, अगर आप लोग GDs में कोई पार्टिसिपेट करने वाले हो या बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम अगर आप देते हैं तो काफ़ी कुछ आप जान पाएंगे इस पर्टिकुलर ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल को पढ़ करके, समझ करके. ज़रूर पढ़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पर. ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है लेफ्ट पे प्रोटेक्टिंग आर डेटा. तो परहैप्स कैसे प्रोटेक्ट करें हम यूज़र का डेटा, इसके रिगार्डिंग जो नियम है वो बिल्कुल है ही नहीं हमारे देश में और होने चाहिए, तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है. ठीक है भाई, सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम बैक टू द ई पेपर वंस कम बैक टू द सेंटर स्क्रीन वंस अगेन. ई पेपर तो है ही हम लोग. ठीक है, तो अब देखा जाए तो हमने अभी अपनी जो रिव्यू था हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, देखिए वो हमने कर लिया है और अब यहाँ पर बारी है कि जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है उसको हम देखें, उसको समझें और उसके बारे में हम लोग और भी जान सकें और भी समझ सकें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला आर्टिकल है आज क्या है हमारे पास. सो इट्स CA फेसबुक एंड यू, दैट्स द पॉइंट ओवर हियर. तो परहैप्स द कॉन्ट्रोवर्सी इज अ वेकअप कॉल टू प्रेस अहेड विद अ रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ. तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी निकल के आई है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली, ये जो है देखा जाए तो एक वेकअप कॉल है हर किसी के लिए कि कुछ ढंग का डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना लो, वरना लोग ऐसे ही हमारा डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं.
The world has just learned how a data analytics firm, Cambridge Analytica, harvested the data of 50 million Facebook users and used that information to feed strategies such as behavioral micro-targeting and psychographic messaging for Donald Trump's presidential campaign in the U.S. All right, Chris Willey, a former CIA employee turned whistleblower, set off storm with, you know, revelations. With revelations, by the way, यहाँ पर उन्होंने कुछ खुलासा किया है, एक बार फिर से इसको हम लोग ले लेते हैं. All right, ये थोड़ा सा कट गया. तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया है. The world has just learned how a data analytics firm, Cambridge Analytica, harvested the data of 50 million Facebook users and used that information to feed strategies such as behavioral micro-targeting and psychographic messaging for Donald Trump's presidential campaign in the US. Chris Willey, a former CIA employee turned whistleblower, set off a storm with revelations of how the company had deployed a psychological warfare tool for the alt-right media guru Steve Bannon to try to sway the election in Mr. Trump's favor. So perhaps, you know, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है. एक कंपनी है डेटा एनालिटिक्स वाली, जो कि डेटा इकट्ठा करती है, उसको एनालाइज करती है और अपने यूज़र के लिए उसको जिस तरीके से भी यूज़र को फ़ायदा हो सके उस तरीके से उस डेटा को उसे प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ये एक ऐसी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है. इसने तकरीबन 50 मिलियन फेसबुक यूज़र्स, यानी कि जो आम फेसबुक यूज़र्स हैं आपके और मेरे जैसे, ऐसे 50 मिलियन फेसबुक यूज़र्स का जो डेटा है, फोटोग्राफ्स, पोस्ट्स, मैसेजेस वगैरह, यू नो, इन सब का इस्तेमाल करके, इन सभी का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से, ऑलराइट, इन्होंने अपने हिसाब से अपने एक पर्टिकुलर, यहाँ पर एक क्लाइंट की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली क्लाइंट थे और उनका जो पूरा कैंपेन था उसको ये जो आपके स्टीव बैनन थे, ऑलराइट, जो कि ऑल्ट राइट मीडिया के हेड थे, तो मतलब एकदम राइटिस्ट थिंकिंग थी इनकी, काफ़ी इंपीरियलिस्टिक थिंकिंग है इनकी, वाइट्स सुप्रीम टाइप की थिंकिंग है इनकी. एनीवे, तो इनके लिए, ऑलराइट, इनके लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने वो सारा डेटा जो है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन सक्सेसफुल हो, अपने हिसाब से इनको दे दिया, इन जो कि इनके कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा, इसका खुलासा किसने किया? इसका खुलासा किया क्रिस विली ने. क्रिस विली कौन है? ये एक कैम्ब्रिज एनालिटिका में पहले काम करने वाले एम्प्लॉय थे, जो कि अब जो है विसल ब्लोअर बन गए हैं, क्योंकि वो जानकारी सामने लाना चाहते थे इस चीज़ के बारे में. नाउ CA chief executive Alexander Nix, who was suspended a few days ago following an undercover report by a British TV broadcaster, said the company has used other dubious methods in the projects worldwide, including honey traps, to discredit clients' opponents. So, अब देखा जाए तो जो ये, तो भाई चलो बात अभी हमने बात करी, जो बेसिकली जो अब फॉर्मर एम्प्लॉय थे क्रिस विलिस, अब अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं अलेक्जेंडर निक्स, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों पहले ही एक ब्रिटिश टीवी ब्रॉडकास्टर के अंडरकवर रिपोर्ट के तहत, उन्होंने ये बताया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका देखा जाए तो ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे ऊटपटांग और गलत तरीके के मेथड इस्तेमाल किए हैं पूरी दुनिया में अपने क्लाइंट्स के फायदे के लिए, जिसमें से हनी ट्रैपिंग भी आता है. ठीक है, तो एनीवे, तो मतलब अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं हमारे पास क्या है आपके लिए. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन. ओके, तो डिप्लॉय का देखो यहाँ सिनोनिम क्या हो जाएगा. ऑप्शंस है यूज, कंक्लूड, एंड और फिनिश. फिनिश का मतलब होता है खत्म कर देना, एंड का मतलब है द एंड, वंस अगेन खत्म कर देना, कंक्लूड का मतलब होता है खत्म करना, ऑलराइट, टू फिनिश अप ऑन समथिंग, एंड यूज का मतलब होता है प्रयोग करना या इस्तेमाल करना. ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक आप लोग आंसर लगा चुके होंगे. ठीक है, इट्स डिप्लॉय का क्या हो जाएगा सिनोनिम? हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यूज. सो लिख लो कमेंट सेक्शन में, डिप्लॉय इक्वल्स टू यूज, डिप्लॉय इक्वल्स टू यूज, ताकि ये बढ़िया से आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली बैठ जाए, डिप्लॉय इक्वल्स टू यूज. ओके, चलो अब आते हैं वापस, देखते हैं ई पेपर पर, फिर आगे समझेंगे. नाउ, तो अभी तक हमने समझा कि क्या क्या कांड कर सकता है ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वालों ने, उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, आगे और समझते हैं इनके कांड. द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट एंड ट्रेलरिंग स्लैंडर कैंपेन्स, फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा टू डिस्कवर्ड रेफरेंसेज
ऑफ वोटर्स इज पोटेंट एंड करोसिव कॉकटेल। अब देखा जाए तो जिस तरीके से पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके बिना जानकारी के किसी के और अपने हिसाब से उसको मतलब नाप उसकी काट छाट करके और फेक न्यूज़ बना करके देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो खिचड़ी पकती है ना इन सब चीज़ों की, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बहुत ज़्यादा घिनौनी और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं तबाही मचाने वाली हो सकती है। ठीक है, Now, Facebook has said its policies in 2014 when a personality profiling app was run on its platform permitted the developer to scrape data not only from those who downloaded the app but also from the profiles of their Facebook friends. तो देखा जाए Facebook ने क्या किया है, Facebook ने ये बताया कि उसकी 2014 की पॉलिसी के हिसाब से एक पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग की ऐप थी जो कि उसके प्लेटफॉर्म पर चलती थी, जिससे जो डेवलपर था उस ऐप का, उसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी का भी, वो बंदा जिसने फेसबुक का ऐप डाउनलोड किया है, उस बंदे का वो पूरा डेटा, साथ ही में जो उसके फ्रेंड लिस्ट में एडेड हैं उनका भी पूरा डेटा वो आराम से निकाल सकता था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए येट इट डिड नॉट मेक श्योर द डेटा वर डिस्ट्रॉयड बाय द एप्स डेवलपर अलेक्जेंडर कोगन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अकेडमिक नो बाय सीए इटसेल्फ व्हेन इट केम टू लाइट दैट मिस्टर कोगन हैड सोल्ड द डेटा टू सीए अ थर्ड पार्टी फेसबुक फाउंडर एंड मार्क जुकरबर्ग has offered an apology and expressed willingness to cooperate with inquiries and potentially open up Facebook to regulation. तो अब देखा जाए तो इस डेवलपर ने जो भी डेटा एक्सेस किया था उसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया गया, उसका तरीका डिस्ट्रॉयड नहीं किया गया, और ये डेवलपर था अलेक्जेंडर कोगन जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक अकेडमिक था, इसने क्या किया, इसने उस डेटा को सीए को जो कि थर्ड पार्टी थी कैम्ब्रिज एनालिटिक का, जिसका काम ही था डेटा एनालिटिक्स का, उसको बेच दिया, और सीए भाई उसने भी इस तरह के डेटा मेथड को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्यों डिस्ट्रॉय करेगा, उसके फायदे की चीज़ थी। तो वही बात है, तो जब ये मामला पूरा सामने आ चुका है और फेसबुक के छीछा लेदर हो चुकी है, फेसबुक के जो शेयर्स है वो बुरी तरीके से गिर चुके हैं, तो अब देखा जाए तो फेसबुक के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने जो है माफ़ी मांगी है इस चीज़ के लिए और बोला है कि हम लोग पूरा कोऑपरेशन करेंगे, जो भी कोई इंक्वायरी करना चाहता है हमारे इस इन्वेस्टिगेशन स्कैंडल में, और देखा जाए तो कोई भी अगर मतलब चाहता है कि किसी नियम के तहत फेसबुक चलाना चाहिए तो वो भी हम मान लेंगे। तो मतलब मार्क जुकरबर्ग जो है एकदम लटके हुए मुँह के साथ ये सब चीज़ें कह रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, लेट्स सी अबाउट दैट। So, which of the following is not true according to para 1? देखो statement A आपके सामने दिया हुआ है, the company had deployed a psychological warfare tool for the alt-right media guru Steve Bannon to try to sway the election in Mr. Trump's favor. Okay, फिर statement B देख लो, it's given over here, the combination of using personal data with the consent and tailoring slander campaigns, fake news and propaganda to discover preferences of voters is a potent and corrosive cocktail. फिर देखो स्टेटमेंट सी में दिया है, फेसबुक फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैज ऑफर्ड अ रिजेक्शन ऑफ अपोलोजिक एंड अपोलॉजी एंड एक्सप्रेस विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद इंक्वायरीज एंड पोटेंशियली ओपन अप टू फेसबुक टू यू नो रेगुलेशन। तो बताओ आप लोग इनमें से कौन सा सत्य नहीं लगता, आपको कौन सा ट्रू नहीं लगता है। ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए एंड सी एंड ओनली बी एंड सी। वेल देखो जहां तक नॉट ट्रू की बात है, सत्य नहीं है की बात है, तो ऑप्शन सी देखा जाए तो आप समझ सकते हो, देखो इसमें जो है दिक्कत है। द रीजन मीन कि इसमें लिखा हुआ है हैज मार्क जुकरबर्ग हैज ऑफर्ड अ रिजेक्शन ऑफ अपोलॉजी, जो कि होना चाहिए था हैज ऑफर्ड अ अपोलॉजी, ना कि रिजेक्शन ऑफ अपोलॉजी। तो इसीलिए ये देखो नॉट ट्रू है आप लोगों के लिए, जिसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स दैट ऑप्शंस ओनली यू नो ऑप्शन ओनली सी, ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी इज द आंसर। एंड आई होप कि आपने भी 2-3 लगा लिया कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है वापस इस आर्टिकल में, चलते हैं ई पेपर पर। सो दिस एपिसोड हैज ब्रॉट लाइट टू सेवरल इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस। फर्स्ट, कंपनीज हैव बीन कलेक्टिंग डेटा एंड टेलरिंग मार्केटिंग कैंपेन्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो कि अब हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है, जो कंपनियां हैं उन्होंने एक के बाद एक लगातार डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है, साथ ही में मार्केटिंग कैंपेन्स को अपने हिसाब से काट छाट के बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला मैटर भी है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस और इलेक्शंस भी इन्वॉल्व्ड है। सेकेंड, रिगार्डलेस ऑफ वेदर व्हाट फेसबुक एंड सीए डिड वाज लीगल और नॉट, समथिंग इज ब्रोकन इन द पॉलिसी एनवायरनमेंट इन विच
this data of millions were taken and used only, we used when only 270,000 people knowingly or unknowingly gave consent. All right. तो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है गाइस कि अब चाहे फेसबुक एंड सीएनए जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है चाहे उन्होंने सही किया हो या गलत किया हो उन्होंने भरोसा ज़रूर तोड़ा है पॉलिसी एनवायरनमेंट ज़रूर तोड़ा है और वो लोग यू नो ऐसे लाखों करोड़ों लोग थे जिनका डेटा जो है उनको बिना बताए उनसे छीन लिया गया है और 270,000 लोगों का डेटा जो है उनके परमिशन के साथ या बगैर जानकारी के साथ या बगैर जो है उसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया भी गया है. ठीक है तो गाइस अब हम लोग और समझेंगे क्या क्या चीज़ें क्या लर्निंग है हमारी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से. बट उससे पहले लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने वो तो बताओ इम्प्लीकेशन का यहां पर सिनोनिम क्या हो जाएगा. ऑप्शन है मेजरमेंट रियलिटी रिजल्ट और ट्रुथ. तो ट्रुथ आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है सच्चाई या सत्य. रिजल्ट का मतलब हो जाता है फाइनल रिजल्ट राइट जो परिणाम क्या निकलता है. देन रियलिटी का मतलब है असलियत या सत्य वंस अगेन. फिर देखो मेजरमेंट का मतलब होता है नापना किसी चीज को. तो अब देखा जाए मेरे ख्याल से आप लोग आंसर लगा चुके होंगे रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई. इट्स 3-3 ठीक है तो तीसरे का तीसरा ही आंसर होगा बिकॉज इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रिजल्ट. ठीक है तो आप लोग लिख लो कमेंट सेक्शन में इम्प्लीकेशन इक्वल्स टू रिजल्ट बिकॉज दैट इज द एक्चुअल फाइनल रिजल्ट और फाइनल आउटकम ऑफ समथिंग. तो इम्प्लीकेशन इक्वल्स टू रिजल्ट. अच्छा चलो अब वापस आते हैं इस पर्टिकुलर ई पेपर पर फिर आगे समझते हैं इसमें. Now, third point that can be learned from here is technology is evolving at a rapid pace, raising the questions, you know, whether laws need to be reframed, mandating an opt-out approach, you know, an opt-out approach university rather than an opt-in approach. So, ab dekha jaye to teesri baat jo hai wo ye hai, technology dekho kafi tezi se evolve ho raha hai aur sawal uth rahe hain नियमों पर क्या कि क्या नियमों को वापस अब जो मॉडर्न टाइमिंग है उस हिसाब से उसको वापस बनाया जाए और जो जो ऑप्ट आउट अप्रोच दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं क्या उसको जो है मतलब हटाया जाए या नहीं हटाया जाए क्या बोलते हो आप लोग. तो यहाँ पर ये देखो बात हो रखी है. ओके नाउ Individuals often share their data without being aware of it or understanding the implication of its privacy terms and conditions. So, लोग जो है अक्सर data अपना share कर देते हैं जब भी हम कोई नया app जो है download करते हैं तो अक्सर हम पढ़ते नहीं हैं terms and condition को हम बस agree कर देते हैं तो उससे because आप हमको वो app चाहिए होता है हम ये ध्यान नहीं देते कि शायद वही ऐप हमारी डेटा जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और हमने उस पर आई एग्री भी शायद क्लिक कर दिया है. ठीक है तो यही बात है यहाँ पर उसको थोड़ा ध्यान देने की बात है. नाउ फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज देयर मस्ट बी क्लियर लॉज ऑन द ओनरशिप ऑफ डेटा एंड व्हाट द डेटा नीड टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है तो बहुत ही क्लियर नियम होने चाहिए कि जो ओनरशिप ऑफ डेटा है कैसे इस डेटा का ओन किया जाए कैसे उसका इस्तेमाल होना चाहिए कैसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए इन सब का होना चाहिए यहाँ पर. फिर देखा जाए पर्सनल डेटा कैन नॉट बी द न्यू ऑयल. ऑलराइट इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सभी लोग जो है झगड़ रहे उसके लिए. इंडिविजुअल्स मस्ट ओन इट हैव अ राइट टू नो व्हाट कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स नो अबाउट देम एंड इन मोस्ट केसेस दैट इज व्हेन देयर आर नो लेजिटिमेट सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट रीजंस हैव द राइट टू हैव देयर डेटा डिस्ट्रॉयड. तो जो पर्सनल डेटा है इसको जो है जो भी इंडिविजुअल लोग हैं आप हमारे जैसे और आपके जैसे लोग पूरा अधिकार होना चाहिए जानने के लिए कि क्या कंपनी और सरकार कर सकती है हमारे डेटा के साथ. ठीक है साथ ही में और हम क्या उनको एक्सपोज कर रहे हैं क्या उनको बता रहे हैं और जब हमें लगे तो हम अपना डेटा बर्बाद भी कर सकें मतलब डिस्ट्रॉय भी कर सकें. द सी ए इशू इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया द गवर्नमेंट स्टिल ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन फ्रेमिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ. तो ये जो सी ए देखा जाए तो ये जिस कैंप जो ये आपका एनालिटिका जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला सिस्टम आया है सामने ये देखा जाए तो वेकअप कॉल है इंडिया के लिए. सरकार अभी भी अपना पैर ही खींच रही है इस बात को कुछ फैसला नहीं ले पा रही है और लेना चाहिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास. लेट्स सी अबाउट दैट. तो देखो भाई इनमें से कौन सा सत्य है पैसेज के हिसाब से ये आपको यहाँ मुझे बताना था. तो देखा जाए तो स्टेटमेंट ए है. ठीक है कंपनीज हैव बीन कलेक्टिंग डेटा एंड टेलरिंग मार्केटिंग कैंपेन्स अकॉर्डिंगली. फिर देखो स्टेटमेंट बी में दिया है टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एट अ रैपिड पेस रेजिंग द क्वेश्चन वेदर लॉज नीड टू बी रीफ्रेम्ड मैंडेटिंग एंड ऑप्ट आउट अप्रोच यूनिवर्सली रादर देन एन ऑप्ट इन अप्रोच. फिर देखो सी में लिया हुआ है द सी ए सोल्यूशन is a wake-up call for India. The government is still dragging its feet on, framing a comprehensive and robust data protection law. तो options आपके सामने हैं only A, only B,
ओनली सी, ओनली सी एन ए एंड ओनली बी एन ए, तो इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है मुझे। नाउ अब देखो, अगर ध्यान से पढ़ोगे ए को या बी को तो आपको लग जाएगा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सत्य नहीं हो, और एक बार के लिए शायद आपको ये भी लग जाए कि देखो सर सी भी सही लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है शायद आप लगे कि लगा देते हैं फोर के लिए ऑल आर ट्रू, लेकिन देखा जाए ऐसा नहीं है। देखो सी ए को ध्यान से देखो, जो सी ए सोल्यूशन लिखा हुआ है कैम्ब्रिज एनालिटिका सोल्यूशन, जबकि पैसेज में क्या दिया था, द कैम्ब्रिज एनालिटिका इशू ना कि सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि यह गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फाइव, ओनली बी एन ए। तो वो लोग जो 4-5 लिख रहे हैं ओनली बी एन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो ये बात थी आज के हमारे पहले आर्टिकल की। मैं उम्मीद करता हूँ जो सेंट्रल थीम था यहाँ पर, जिस चीज़ की यहाँ बात हो रही थी, वो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, लेट्स सी अबाउट दैट। सो मीटिंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी, यू नो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, तो जो भारत की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं, उनको समझने की बात करते हैं यहाँ पर। नाउ टिल द सेंट्रल ग्रिड बिकम्स रिलायबल, अ सोलर एंड विंड पावर्ड माइक्रोग्रिड इज द वे टू लाइट अप रिमोट एरियाज। जब तक एक प्रॉपर सेंट्रल ग्रिड जो है बंद करके आता है, तब तक हमें सोलर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, विंड पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुँच सके, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं यहाँ पर। So one often comes across news about variable renewable energy resources like photovoltaic and wind having reached grid parity. तो कई बार लोगों को न्यूज़ मिलती है कि जो सोलर एनर्जी है या जो विंड एनर्जी जहाँ से बनती है, इसके जो ग्रिड है वो जो है ग्रिड पैरिटी तक पहुँच चुका है। अब ये कंसेप्ट क्या है ग्रिड पैरिटी का, ये समझना है। देखो जहां तक बात है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एट लोड सेंटर्स। तो देखा जाए भाई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही अजीबो गरीब तरह का सिस्टम होता है। उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक, बहुत दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में सप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, प्लस कई बार ऐसा होता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन का ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है, कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए लोड सेंटर्स पर, उसमें काफी परेशानी होती है। वेरियस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू इट, तो बहुत सारे लोग देखो जुड़े होते हैं ऐसे ग्रिड के साथ। ऑलराइट, तो ये यहां पर बात है। तो चलिए अब आगे समझते हैं गाइस, बट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पैरा, मैं समझता हूं जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दिखा दिया जाए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 वंस। ओके, तो बताओ अभी हम लोग पैरिटी की बात करें तो बताओ भाई पैरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहां पर, कंसिस्टेंसी, डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी और अफिनिटी में से। वैसे अफिनिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब भी यही होता है बराबरी या इक्वालिटी, डिफरेंस का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट होना, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो जाता है लगातार किसी काम को करते रहना, लाइक कंसिस्टेंट, लाइक राहुल द्रविड़, लगातार परफॉर्मेंस देना, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एंटोनिम की बात हो रही है, पैरिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सी इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो सभी लोग जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर 2 लगा रहे हैं, दे हैव डन अ गुड जॉब बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आते हैं वापस ई पेपर को देखते हैं फिर से। नाउ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जो कठिन नेटवर्क है, उलझा हुआ नेटवर्क है, उसकी बात करते हैं। ग्रिड पैरिटी कैन बी सीन इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग तरीके से हम लोग ग्रिड पैरिटी को देख सकते हैं, जनरेटर एंड ग्रिड पैरिटी एंड कंज्यूमर एंड ग्रिड पैरिटी। एक जनरेटर एंड ग्रिड पैरिटी होती है और एक कंज्यूमर एंड ग्रिड पैरिटी होती है। नाउ जनरेटर एंड ग्रिड पैरिटी इज लिमिटेड टू द प्लांट बाउंड्री एंड डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द ग्रिड सिस्टम। जो जनरेटर बेस्ड देखो ग्रिड पैरिटी होती है वो प्लांट बाउंड्री तक ही रहती है, और इसमें जो है जो ग्रिड सिस्टम होता है ना उसका कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन रिलायबल बेसिस, अ ग्रिड मैनेजर हैज टू कॉन्ट्रैक्ट इनफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम जनरेटर्स अवेलेबल ऑन डिमांड एट ऑल टाइम्स। तो इस बात का मतलब पक्की करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा अवेलेबल रहे कंज्यूमर्स के लिए एकदम लगातार एक भरोसेमंद के बेसिस पर, जो ग्रिड मैनेजर है उसे देखा जाए तो इतनी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाने की जरूरत है जनरेटर हमेशा, ताकि हमेशा जो है डिमांड पे रहे। इन इंडिया द पीक डिमांड अकर्स इन द इवनिंग व्हेन सोलर इज नॉट अवेलेबल एंड विंड मे और मे नॉट बी ब्लोइंग, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ जनरेटर्स केपेबल ऑफ डिस्पैचिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, यू नो आई थिंक दे शुड हैव हायर लोड कैपेसिटी, यही दिया है यहाँ पर। यस, दैट इज डिस्पैचेबल रिसोर्सेज कनेक्टेड टू द ग्रिड शुड बी मोर देन द पीक लोड। तो अब देखा जाए
तो देखो इंडिया में मेनली जरूरत ज्यादा तब पड़ती है जब शाम हो जाती है, और शाम को देखा जाए तो ना तो सनलाइट होता है और शायद विंड चल रहा होता है या नहीं चल रहा होता है। तो इसीलिए जो ग्रिड कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। चलो और समझ लेते हैं हम लोग यहां पर। नाउ इट हैज टू बी मोर बिकॉज सम जनरेटर्स विल बी अंडर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड सम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है काफ़ी अच्छी इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होंगे वो काफ़ी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेनेंस होंगे, क्योंकि अक्सर कई बार होता है ट्रांसफॉर्मर जनरेटर्स में जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट आती ही रहती है। द कॉस्ट ऑफ द ग्रिड सिस्टम इज देयरफॉर मोर देन द कॉस्ट ऑफ टावर्स वायर्स एंड यू नो एंड ट्रांसफॉर्मर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ यू नो वॉट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी वेन you know of storage capacity when provided for and capacity charge paid by the grid manager to meet the peak load। तो देखा जाए भाई तो ऑब्वियस है जो कॉस्ट होता है ग्रिड सिस्टम का वो ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ टावर्स से, वायर्स से एंड ट्रांसफॉर्मर्स से। साथ ही में देखा जाए तो कैपिटल और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है स्टोरेज कैपेसिटी की, जब वो अच्छे से उसके पूर्ति की जा सकी और जो कैपेसिटी चार्ज होता है पेड जो है होता है वो ग्रिड मैनेजर के द्वारा पे किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो पीक लोड के टाइम पर। व्हेन अ ग्रिड मैनेजर इज नॉट एबल टू पे रिक्वेस्ट कैपेसिटी चार्ज द रिजल्ट इज लोड शेडिंग। जब भी ऐसा होता है कि जो ग्रिड मैनेजर है ज़्यादा अच्छे से वो लगातार कैपेसिटी चार्ज नहीं दे पाता है, तब जो है अपने आप लोड शेडिंग हो जाती है या बत्ती गुल हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की हमने बात करी, शायद जो एसएससी जे के इलेक्ट्रिकल के बंदे होंगे वो तो बड़े खुश हो गए होंगे, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। तो मैं कहूँगा यही कि इस वीडियो को दोबारा देख लेना, दो तीन बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही थी। चलिए अब ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला वाला है नंबर 6 मोर लाइक अ पैराजंबल, लेट्स सी अबाउट दैट। तो देखो भाई यहाँ पर 6 सेंटेंस का पैराजंबल दिया हुआ है, इसको सिंपल सा आपको अरेंज करना है। ये मत कहना कि सर ये करते करते बत्ती गुल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा मुझे पूरा भरोसा है। सो बस तीन काम करने हैं, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसको ढूंढो, फिर जो लॉजिकल पेयर बन सकते हैं उनको लगाओ, और उसके बाद जो आपका फाइनल अलाइनमेंट हो सकता है उसको बना दो, ठीक है गाइस। बस तीन काम करने हैं, पॉज कर लो वीडियो को और बनाओ पैराजंबल को। आई होप आपने बना दिया होगा पैराजंबल को, आप लोग यहाँ पर देख भी लेते हैं एक बार। तो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ई, स्टेटमेंट एफ, ये सिंपल सा 6 सेंटेंस था। अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। सो इट्स बी ए एफ डी सी ई, इट्स बी ए एफ डी सी ई। देखो बी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये, और वन ऑफन कम्स अक्रॉस न्यूज अबाउट वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये यहाँ बात हुई। फिर देखो ए में दिया हुआ है सोर्सेज लाइक यू नो सोर्सेज लाइक सोलर फोटोवोल्टिक एंड विंड हैव रीच्ड ग्रिड पैरिटी। फिर देखा जाए एफ में दिया है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रिड पैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फिर डी में दिया है इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। फिर दिया हुआ है सी में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लोड सेंटर्स। फिर दिया हुआ है ई में वेरियस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू इट। तो परहैप्स सब्जेक्ट आया स्टेटमेंट बी में, फिर क्वालिफायर और यानी कि और जानकारी दी गई सब्जेक्ट के बारे में ए में, फिर देखो एफ में मेन वर्ब काम कैसे होता है ये बताया गया, फिर और जानकारी दी गई वर्ब के बारे में डी में, फिर सी में जो मेन रिजल्ट होता है उसकी तरफ जाते हुए हम लोग, और फिर देखो यहाँ पर ई में आकर के जो आपका फाइनल जो रिजल्ट हुआ समरी निकला उस पर के हम लोग आ गए, ठीक है। तो गाइस दिस इज द ऑर्डर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यही लगाया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 8 दैट वी हैव हियर फॉर यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो सामने आ चुका है आप लोगों के, ग्रिड पैरिटी कैन बी सॉ इन टू डिफरेंट वेज, जनरेटर एंड एंड ग्रिड पैरिटी एंड कंज्यूमर एंड ग्रिड पैरिटी। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में कहां पर किस पार्ट में गलती है, क्या 7th के फर्स्ट पार्ट में गलती है या सेकंड पार्ट में गलती है या थर्ड पार्ट में गलती है या फोर्थ पार्ट में गलती है या नो एरर है, क्या बोलते हो आप लोग? पॉज करो वीडियो को, बताओ कहां गलती है। मेरे ख्याल से अब तो आपने आंसर निकाल लिया होगा गाइस। देखो कैन बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, और इसलिए देखा जाए तो जो पहला वाला पार्ट है 7th का वहां पर कैन बी सीन होना चाहिए ना कि कैन बी सॉ होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो दैट इज द एरर ओवर हियर एंड आई होप कि आप लोगों ने भी सही जवाब लगा लिया होगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दिया हुआ है
it has to be more because some generators will be, you know, will under long maintenance, under long term maintenance, and some will not be. Okay, generators will under long term maintenance and some will not be available for the short term due to technical faults. Okay. तो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में कहां पर किस पार्ट में आपको लगता है यहां पर गलती हो सकती है. सो क्या लगता है 8 के फर्स्ट में गलती है या 8 के सेकंड में गलती है या 8 के थर्ड में गलती है या 8 के फोर्थ में गलती है. व्हाट डू यू से कहां पर गलती है गाइस. पॉज द वीडियो एंड सर्च द एरर. सो आई होप गाइस कि अब तक हमने गलती ढूंढ ली होगी. वेल इट हैज टू बी No error for question number 8. Question number 8 में देखा जाए देखो कोई भी पार्ट में कहीं भी कोई गलती नहीं है. It has to be no error. तो 8 का देखा जाए तो no error is the answer, my dear friends. Now let's come back to the center screen once again. So my dear friends, that was all in today's editorial analysis. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का analysis बेहद पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक तुरंत कर चुके होंगे. साथ ही में कमेंट में जो अपना फीडबैक है वो भी लिखिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ. बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड पीस आउट फ्रॉम मी. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket.